अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ईद उल फितर क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रमजान में पूरे महीने रोजे रखने के बाद ईद आती है। ईद में मुसलमान खुशी का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बच्चों को ईदी मिलती है, बड़े बच्चों को ईदी देते हैं, बच्चे खुश होते हैं, घर में तरह तरह के पकवान पकते हैं, लोग ईद मिलते हैं, सवैयां पकती हैं। ईद का दिन बहुत खुशियों भरा होता है, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, मजे मजे की सवैयां पकती है। ईद के दिन मुसलमान ईदगाह में आके नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। ईद का त्यौहार बहुत खुशियों भरा होता है। अब बात करेंगे ईद के आदाब के बारे में। ईद के दिन नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ईद के दिन ईदगाह जाते वक्त कोई मीठी चीज खाकर जाना चाहिए। इस मौके पर खजूरें खाना सुन्नत है। कोशिश करें सदका फितर ईद की नमाज से पहले अदा करें ताकि गरीबों को इनका हिस्सा मिल सके। ईद गह जाते वक्त एक रास्ते से जाना चाहिए और दूसरे रास्ते से वापस आना चाहिए, ये सुन्नत रसूल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो सके। ईद गह जाते वक्त ये तकबीर पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको खुशियों बड़ी ईद नसीब फरमाए, आमीन। अब इस दुआ के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज। और आप सबको दोबारा एडवांस ईद मुबारक।